ओम ज्ञानिनाव चेतांसी देवी भगवती ही सा बालादा कशाया मोहाया महामाया पच्छति। जय माता की। आज शुक्रवार, आज जिसे हम भृगुपासरे भी कहते हैं, कुछ समय के बाद आज चंद्रमा धन राशि से मकर राशि में प्रवेश होगा। आज अष्टमी तिथि है, आज अष्टमी की, दुर्गा अष्टमी की आप सब लोगों को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर माँ भक्ति प्रभु आप सबको स्वस्थ रखे, मंगलमय रखे, आप हमेशा ही तरक्की के पथ पर रहें जाकर के। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, अष्टमी और नवमी प्रतिपदा से लेकर के पिछले वीरवार से जो हम पूजा आराधना अर्चना कर रहे हैं, पहले दिन से लेकर के आज दिन तक 7-8 दिनों की जो पूजा करी है, हम दो दिनों में, कुछ लोग अष्टमी की पूजा करते हैं, कुछ लोग अपने परिवार के अनुसार जो रीति और रिवाज है। हमारा भारतवर्ष है, 25 किलोमीटर के बाद कुछ भाषा बदल जाती है और 27 किलोमीटर के बाद थोड़ा सा रिवाज अपना अपना बदल जाता है। आज पूजा करें, आराधना करें। पिछली रात अपने पूजा आराधना करी थी, कुछ हो सकता कि यज्ञ भी किया हो, हवन किया हो। आज सुबह आप उठे हैं, माता के दरबार में जाइए, दरवाजा खोलिए, पूजा आराधना अर्चना करिए। वहां ज्योति अखंड चली हुई है, उसमें घी डालिए, अपने खेतरी रखी है, आम के पत्ते लगाए हुए हैं, पंचपल्लव आदि, नारियल आदि सजाया हुआ है माँ का दरबार, उसे आगे मद्दन करें, प्रणाम करें। और आज माता को भोग लगाना है आपने नारियल का, नारियल का भोग लगाना है। और नारियल आपके पास घर में भी पड़ा हुआ है, आपने नारियल लड़कियों को, बच्चों को, देवियों को बांटने के लिए भी प्रसाद के रूप में भी रखा है। बच्चों को घर में बुलाइए, माता को खीर पूड़े जो भी आपने बनाया है, चने बनाए हैं, हलवा बनाया है, लेकिन बनाने से पहले रसोई बिल्कुल साफ रखें, स्वस्थ रखें, साफ सुथरी रखें। काले या नीले वस्त्र पहन करके माता की पूजा आराधना अर्चना न करें, साफ रखें, चटाई बिछाएं, बच्चों को बुलाएं, बच्चों के पैर धुलाएं, हाथ धुलाएं, उनको वंदन करें, प्रणाम करें और तिलक करें, मौली करें, चावल बांधें, राबल दें उनके माथे पर। छोटी छोटी चुनियां, छोटी छोटी मेरी माताओं का स्वरूप है, जगदम्बा के स्वरूप जो 8 या 9 जो आए हैं, 7 ले लीजिए, 9 लीजिए, 11 लीजिए, देवियां जितनी मिलती हैं। तो कई जगह व्यवस्था नहीं हो पाती, मोहल्ले में, इलाके में 6 लड़कियां हैं, 10 लड़कियां हैं, कहां कहां वो बेचारे जाएंगे। नहीं तो आपके नजदीक कोई मंदिर है या कहीं कोई ऐसी स्थान है जहां आप देने के काबिल समझते हैं कि इस चीज का, इस वस्तु का, इस काम का, इस प्रसाद का सदुपयोग होगा। माता को भोग लगाएं, माता की आरती उतारें, देवियों की आरती उतारें, उनको भोग लगाएं, उन्हें प्लेटें दें, उन्हें उपहार दें, कापी दें, पेंसिल दें, जितना जो कुछ आप दे सकते हैं उनको दीजिए जाकर, और उनका भरपूर आशीर्वाद लीजिए। बच्चा नहीं खाता है, देवी माँ भगवती मेरे घर पर आई हुई है, मेरे आंगन में आई हुई है, सजा हुआ है दरबार, माँ मैं तेरे, मेरे आंगन में तो आई हुई है, मेरा मुझे अपना, तुम अपना शुभ आशीर्वाद दे करके जाना। नत मस्तक होकर के माता का आशीर्वाद लें, अपने सिर पर उनका, अपने सिर पर उनके दोनों हाथ रखाएं और उनकी विदाई करें जाकर के। उसके बाद आपके घर में जो नारियल पड़ा है, खेतरी पड़ी है, उसको थोड़ा सा हलाएं, ज्योतरी को थोड़ा सा हला दें, और कोशिश करें कि उसमें जो खेतरी है, हरियाली जो बीज है, जौ बीजे हुए हैं अपने प्रतिपदा से लेकर के, जिस जहां आपने पूजा आराधना अर्चना करी है, रेत में है या मिट्टी में जो भी है, उन्हें हलाकर थोड़े से निकाल करके माता के श्री चरणों में रखें और बच्चों को दें, और बच्चों से अपने पल्ले में डलवाएं कि ताकि माता से जो आराधना अर्चना प्रार्थना करें कि हे माँ भगवती जगदम्बा, हमारा वंश इसी तरह लावे की तरह फलता रहे, फूलता रहे, बढ़ता रहे, चलता रहे। बच्चियां, देवियां घर से जब आंगन से चली जाती हैं, उनकी जगह वहां जगह में झाड़ू नहीं लगाना है आपने, आपने वहां केवल और केवल हाथ से चिकत्सा करनी है, जो जूठन वहां पड़ी हुई है, और फेंकनी नहीं, एकत्र एक जगह रख देनी है। झाड़ू लगाने से वो सारी की सारी बरकत चली जाएगी। अगर इकट्ठा किया और रखा एकदम, सायंकाल जब भी होगा तो चिड़ियों को, कबूतरों को वो सामान डाल दी जो बच्चों की जूठन पड़ी हुई है। उसके बाद घर में पानी का लोटा रसोई में जरूर रखें, ताकि वो शुभ का कारक है। घर से देवियां गई हैं, हमने कलशा रखा, घर में जो अपने कलशा रखा हुआ है वो चारों तरफ घर में पानी छिड़काएं, आराधना अर्चना करें, स्वयं भी भोग लगाएं और समस्त परिवार पूरे आनंदमय के साथ, हर्षोल्लास के साथ माता की, दुर्गा की पूजा आराधना अर्चना करें। इसी तरह कल नवमी है, नवमी का पर्व भी कुछ लोग मनाते हैं, इसी तरीके से, इसी मन से, इसी श्रद्धा से, इसी भाव से माता की पूजा आराधना अर्चना करते हैं। माता गौरी का, जो माता पार्वती ने कड़ा तप किया था, कड़ा तप होने से माता का शरीर जो था वो काला पड़ गया, भगवान शंकर प्रसन्न हुए, गंगा का स्नान करवाया और इतना स्नान करवाया कि माता का शरीर जो था वो निखर गया, तब से माता का नाम माता गौरी रखा गया है।
तब से हम माता को गौरी माता के नाम से पुकारते हैं, जानते हैं। जय माता की, जय माता की। जय माता की, जय माता की। आज दुर्गा नवमी की सबको बधाई। आज नवमी का पर्व है, शरदीय नवरात्रों की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है और शनिवार है। आज हम लोग माता सिद्धिदात्री के विषय में बात करेंगे। सिद्धिदात्री जो सब कुछ देने वाली है, सारे काम को बनाने वाली है, सब कुछ देने वाली है, सारे भंडारे बनने वाली है, अन्न देने वाली है, धन देने वाली है, मान देने वाली है, प्रतिष्ठा देने वाली है, वो मेरी मां जननी सिद्धिदात्री है, जो देती ही देती है माता को। आज शनिवार है, कुछ लोगों ने कल पिछले कल शुक्रवार को माता की पूजा करी थी, माता की कुछ पूजा आराधना अर्चना करी थी, कन्या का पूजन किया था। कुछ लोग, काफी सारे लोग, लगभग 35% लोग आज पूजा आराधना अर्चना करते हैं, छुट्टी होने के नाते भी। कुछ जगह पर आज शनिवार के कारण छुट्टी भी होती है, तो आज नौमी और दशमी का संयोग भी बन रहा है। सायंकाल को आज रावण दहन का कार्यक्रम भी होगा, दशहरा जिसे बोलते हैं, वो मनाया जाएगा जाकर। लेकिन सुबह जो पर्व है, लगभग 10:58 तक जो है वो नवमी तिथि है, उसके बाद दशमी तिथि होगी, दशमी की पूजा उसमें लोग करेंगे, जैसे भी कुछ करना चाहते हैं। नवमी का पर्व जो है वो दुर्गा के रूप में हम मनाते हैं, सिद्धिदात्री जो सब कुछ देती है। आज माता को खिल्लों के लावे का भोग लगाना है और वो घर में खलारनी है, जहां आपने मंदिर बनाया है। देवियां, छोटे बच्चे, छोटी देवियां, 10 साल, 5 साल, 9 साल, 11 साल, 12 साल की बेटियां, हमें बच्चे छोटे छोटे मिल जाते हैं, उन्हें लाइए, उनके पैर धुलाइए, उनके तिल कीजिए, उनको कंगन बांधिए, रक्षा सूत्र बांधिए और उनको श्रृंगार का सामान दीजिए, छोटी चुनिया, जैसा भी आप देना चाहते उन्हें कीजिए, कोई ना कोई उपहार जरूर दें, कोई कापी दें, कोई पेंसिल दें, कोई टिफिन दें, जो आप देना चाहते हैं, प्लेट दे दें, श्रृंगार का सामान दे दे जाकर। जो क्वारी कन्याएं हैं, अगर जे वो गरी का गोला एक एक देती हैं तो उन्हें शीघ्र ही बर की प्राप्ति होगी। यदि कोई लड़के की शादी में कोई बिघ्न आ रहा है, वो लड़का यदि वो श्रृंगार का सामान देता है या सिंदूर की डिब्बी देता है, तो उसकी शादी का जल्दी ही जल्दी महामाई कृपा करेगी। मकर राशि का आज चंद्रमा भी है और साथ ही दो राशियों का बड़ा प्रभाव पड़ेगा आजकल, मकर राशि और कुंभ राशि का। शनि का दिन है, शनिवार है, नवमी तिथि है। जो व्यक्ति मन से, भाव से माता की पूजा आराधना सिद्धिदात्री की करेगा, जिस मन से, वो माता देगी ही देगी, क्योंकि आज सिद्धि देने वाली दात्री मेरी माता, मेरी जननी मेरे घर पर आई है, उनका आशीर्वाद लीजिए। देवियां भर में बैठी हुई हैं, हो सकता है तो घेरा बना लीजिए, 8, 7, 9, 10, 11 जो भी आपके पास देवियां हैं, देवियों की संख्या, कन्याओं की संख्या 7 हो जाए, 5 हो जाए, 9 हो जाए, 11 हो जाए, जितनी हो सकती है उतनी करनी है। यदि जो व्यवस्था हो सके तो ठीक है, नहीं तो कोई नजदीक कोई मंदिर है आपके पास, जाकर वहां माता के श्री चरणों में भोग लगाएं, प्रसाद बांटें और ऐसी जगह बांटें प्रसाद को जहां इसका सदुपयोग हो जाए, कहीं जरूर लेना, कहीं के किसी के पैरों में ना आए। देवियों का घेरा बना लें घर पर बैठे हुए, वो भजन करें, कीर्तन करें और उनकी परिक्रमा करें, देवियों को खड़े करके फिर उनके नतमस्तक को करके वंदन करें, उनका हाथ अपने सिर पर जरूर रखवाएं, उनका आशीर्वाद जरूर लें, अवश्य लें, बैठें, उनका गुणगान करें माता का। और 9 के 9 स्वरूपों को यदि याद कर सकते हो तो याद करिए। 9 दिन की जो तपस्या आपने करी है, पहले नवरात्रे से लेकर के आज सिद्धिदात्री तक 9 दिन की जो तपस्या करी है, पूजा आराधना अर्चना करी है, घर में अखंड ज्योत जगाई है, दुर्गा चालीसा किया है, दुर्गा का पाठ किया है, दुर्गा स्तुति की आराधना करी है, कोई एक बीज मंत्र उच्चारण किया है, कोई श्री सूक्त का पाठ किया है, कोई कनकधारा स्तोत्र का पाठ किया है, कोई लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ किया है, कोई बाधा निवारण के लिए, कोई रोग निवारण के लिए, यदि संभव हो सके कि यदि कोई व्यक्ति आज रोग की निवृत्ति के लिए, अगर जे कोई व्यक्ति कोई गुलोए से गुलोए को लेकर के सायंकाल में जब दशमी तिथि शुरू हो चुकी होगी, तो अगर जे कोई पूजा आराधना अर्चना करता है और गुलोए को घी में डुबो करके उसे हवन करता है, गुलोए को डुबो करके हवन करता है घी में डुबो करके, तो वो रोग का निवृत्ति का कार्य करता है। गुलोए वैसे भी व्यक्ति खाने के लिए
काफी सारे संकट, काफी सारी बीमारियां कटती हैं। और रोगान शेषा पंसी तुष्टा रुष्टा तुकामान सकलान भिष्टान तुमाशितान विप्रणाम तुम शीतमशितम प्रंति। इसी प्रकार माता की पूजा आराधना अर्चना करिए, जे नौ दिन की, जे नवदात्री की। आपको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर आपको हमेशा सुखी रखे, खुश रखे। जय माता की।